हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्लियर करने में पूरी से पूरी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं और करना चाहूंगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आगे जाके जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद द इंक्रीज इन बैटरी टेम्परेचर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो बैटरी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या अफेक्ट करेगा, वो अफेक्ट करेगा या फिर ऐसे ही रहेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा या क्या होगा बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। दोस्तों बैटरी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो होगा डिक्रीज कर जाएगा। ओके डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके दिस इज द राइट आंसर। ओके तो बैटरी अगर का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट नंबर टू, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इन कंपैरिजन टू पेट्रोल इज डैश, ऑप्शन नंबर ए हायर, ऑप्शन नंबर बी लोअर, ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर डी डिपेंड ऑन फ्यूल क्वालिटी। तो दोस्तों सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि अपने आप जो एक डीजल एक ऐसा टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जब वो ऑटोमेटिकली ही बर्न करने लगेगा, उसको बोला जाता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो डीजल का दोस्तों सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, दोस्तों अगर हम डीजल की बात करें तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है, 210 डिग्री सेल्सियस। ओके 210 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पेट्रोल का बात करें तो पेट्रोल का होगा 290 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 डिग्री सेल्सियस। ओके तो यहाँ क्या होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इन कंपैरिजन टू पेट्रोल क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि लोयर होगा। ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज द लोयर इज द आंसर, दैट इज लोयर। ओके नेक्स्ट नंबर सी, ए बैटरी कैन बी चार्ज बाय, बैटरी चार्ज कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए एडिंग डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन नंबर बी एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एडिंग वोल्टेज इन द रिवर्स डायरेक्शन टू दैट ऑफ द चार्जिंग, ऑप्शन नंबर डी एडिंग वोल्टेज इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ द चार्जिंग। तो इसका मतलब क्वेश्चन के में क्या पूछा गया कि बैटरी को कैसे चार्ज कर सकता है। दोस्तों बैटरी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, उसको दोस्तों कैसे चार्ज कर सकते हो आप, बाय एडिंग वोल्टेज इन द रिवर्स डायरेक्शन टू दैट ऑफ द चार्जिंग। वोल्टेज को ऐड करोगे आप रिवर्स डायरेक्शन में टू दैट ऑफ द चार्जिंग। ओके तो बैटरी चार्ज हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है दोस्तों, बाय एडिंग वोल्टेज इन रिवर्स डायरेक्शन टू दैट ऑफ द चार्जिंग। नेक्स्ट नंबर फोर, द मेन फंक्शन ऑफ रेजोनेटर इज, रेजोनेटर का मेन फंक्शन दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए रेगुलेट द इनटेक ऑफ एयर फ्लोरेट, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसेस द इनटेक एयर नॉइज, ऑप्शन नंबर सी एनहांसेस द इनटेक एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी रेगुलेट्स द इनटेक एयर टेम्परेचर। दोस्तों रेजोनेटर को यूज किया जाता है एयर का नॉइज को कम करने के लिए, एयर का नॉइज को, एयर जब एंटर करता है तो उसका नॉइज को कम करने के लिए हम रेजोनेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है दोस्तों। ओके रिड्यूसेस द इनटेक एयर नॉइज। नेक्स्ट नंबर फाइव, इफ द फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स इज इनसाइड एंड रियर ऑफ द फ्रंट व्हील्स आर अपार्ट व्हेन द व्हीकल इज एट रेस्ट, देन द कॉन्फिगरेशन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए टो आउट, ऑप्शन नंबर बी टो इन, ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव कैस्टर, ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव कैम्बर। ओके तो कहने का मतलब है दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जब व्हीकल एकदम सा रेस्ट पोजीशन पे रहता है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि व्हील्स एकदम पूरा पैरेलल है रोड सरफेस के साथ। ओके व्हील्स का जो है पैरेलल है, जब टॉप व्यू में देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो चक्के का पोजीशन है कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं है दोस्तों ये गलत है। चक्का हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब व्हीकल रेस्ट पोजीशन पे होता है ना तो चक्का हमेशा इस पोजीशन पे नहीं होता है। चक्का आपको कैसे यूज रियलिटी में, चक्का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके या फिर चक्का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा चक्का। ओके राइट तो दोस्तों देखिए यहां पर देखिए
ये फिगर आप देख रहे हो, चक्का कुछ इस तरह से है या फिर चक्का कुछ इस तरह से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इफ द फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स इज इनसाइड, फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स अगर इनसाइड में है और जो रियर ऑफ द व्हील्स दे आर अपार्ट, मतलब ए शेप बना रहे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको टो इन बोला जाता है। ओके, ये जो मैंने डायग्राम बनाए थे ना, ये टो इन का डायग्राम है। मतलब चक्का अगर आपका ये जो देख रहे हो ना, ये फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स अगर इनसाइड रहेगा और रियर ऑफ द व्हील्स अगर अपार्ट रहेगा, मतलब दूर दूर तक रहेगा, तो उसको टो इन बोलते हैं। लेकिन अगर फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स जो है वो दूर रहेगा ऐसे, और रियर ऑफ द फ्रंट व्हील्स दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर, देन दैट इज कॉल्ड अस टो आउट। ओके, तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, टो इन होगा। फ्रंट, बिकॉज द फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स दे आर इनसाइड, फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील्स दे आर इनसाइड एंड द रियर ऑफ द व्हील्स दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, सो इट इज द करेक्ट आंसर विल बी टो इन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज वेंचुरी इन कार्बोरेटर डू, वेंचुरी क्या करता है कार्बोरेटर में से। ओके, वेंचुरी क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए एन इंक्रीज इन एयर वेलोसिटी, एंड ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज ऑफ एयर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज इन फ्यूल फ्लो, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज ऑफ मैनिफोल्ड वैक्यूम। तो क्या होता है वेंचुरी दोस्तों, कार्बोरेटर में वेंचुरी जो लगा रहता है वो उसका क्या काम है वो पूछा गया है। तो वेंचुरी दोस्तों एक्चुअली कार्बोरेटर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन उसका डिक्रीज किया गया है। वेंचुरी वही पोजिशन है ना जहां पर जो है क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज कर दिया गया है, क्रॉस सेक्शन कम हो गया है। जब जहां पर एरिया जो है वो कम हो गया है तो क्या होता है, वहां पर क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज ऑफ एयर वेलोसिटी। ओके, क्योंकि यहां पर एरिया जो है वो कम हो गया है, एरिया जहां पर दोस्तों कम होता है वहां पर वेलोसिटी हमेशा बढ़ जाता है। ओके, सो इंक्रीज ऑफ एयर वेलोसिटी विल बी द राइट आंसर। द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल इज, ऑप्शन नंबर ए टू वैरी द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, टू वैरी द टॉर्क ऑफ द व्हील, ऑप्शन नंबर सी टू वैरी द पावर ऑफ द ऑटोमोबाइल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो ट्रांसमिशन दोस्तों क्यों लगा रहता है ऑटोमोबाइल में, ऑब्वियसली बात है टॉर्क ऑफ द व्हील को वैरी करने के लिए, व्हील टॉर्क के व्हील को वैरी करने के लिए दोस्तों ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है। तो सही आंसर टू वैरी द टॉर्क ऑफ द व्हील होगा। नेक्स्ट, इन फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द डिवाइस इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव ऑयल प्रेशर। मतलब फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में अगर एक्सेस ऑयल का प्रेशर बन जाए तो वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिलीज चैम्बर, ऑप्शन नंबर बी बैलेंसर, ऑप्शन नंबर सी रिलीफ वाल्व, ऑप्शन नंबर डी स्टॉप वाल्व। कौन सा ऐसा यूज किया जाता है टू एक्सेस ऑयल प्रेशर को रिलीज कर देने के लिए। दोस्तों सही आंसर होगा रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व दोस्तों यूज किया जाता है टू रिमूव द एक्सेस ऑयल प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द टायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन विड्थ टू सेक्शन हाइट, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन हाइट टू सेक्शन विड्थ, ऑप्शन नंबर सी व्हील डायमीटर टू सेक्शन हाइट, ऑप्शन नंबर डी व्हील डायमीटर टू सेक्शन विड्थ। तो एस्पेक्ट रेशियो दोस्तों क्या है टायर का, अभी टायर ये देखिए, ये होता है उसका हाइट, ये होता है उसका विड्थ, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या है, हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ। ओके, तो सही आंसर होगा सेक्शन हाइट टू सेक्शन विड्थ। ओके, दैट इज द राइट आंसर। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, ये एक जनरल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली पूछा जाता है ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर आपको मतलब उसका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। तो आपको याद रखना है टायर का हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ, सेक्शन हाइट टू द सेक्शन विड्थ। ओके, नेक्स्ट, In order to implement the gear changes in the gear unit of an automatic transmission, a dash is used. मतलब क्या यूज किया जाता है गियर चेंज करने के टाइम इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स में। नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनाइजर, ऑप्शन नंबर बी प्लानिटरी गियर, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक क्लच, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच। तो क्या यूज किया जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स में गियर को चेंज करने के लिए। ऑब्वियसली बात है गियर चेंज होता है तो क्लच की यूज होती है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स में दोस्तों हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच। हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच मतलब एक क्लच प्लेट की जगह दो तीन चार ऐसे मोर देन वन क्लच प्लेट यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच वहां पर यूज किया जाता है वेयर देयर विल बी मोर देन वन क्लच प्लेट। ओके, तो ये था दोस्तों ये सारे ये जो 10 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
कुछ डाउट्स हो फिर भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। हाँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि आपने 10 में से कितने आंसर सही से दिए हैं, आंसर जो आपको पता है, 10 में से कितने आंसर आपको सही से पता है, ओके, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जितने भी मैं आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।